पहली प्रॉब्लम है कि पॉइंट मास है 1 kg का, m1 गिवन है, कोऑर्डिनेट कितने हैं 2, 4, क्या गिवन है x1 y1, m2 गिवन है, क्या गिवन है x2 y2, क्या निकालना है सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। तो फॉर्मूला क्या है सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट का, m1 x1 m2 x2 m1 प्लस m2, आपको m1 पता है m2 पता है x1 y1 x2 y2 पता है, तो आप सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाल लें m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट निकाल लोगे m1 y1 m2 y2 m1 प्लस m2, क्योंकि m1 पता है m2 पता है y1 पता है और y2 पता है, सॉल्व कर लोगे आंसर सही है ना। तो बस वैल्यूज पुट करनी है m1 m2 x1 x2 y1 y2 आंसर। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? जैसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में वो आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रहा, वो आपको पोजीशन वेक्टर दे रहा है, तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है पहला मास 1 kg है m1, पोजीशन वेक्टर क्या है r1 वेक्टर i कैप j कैप और k कैप में है, दूसरा मास कितना है 2 kg, r2 वेक्टर ये रहा, क्या निकालना है r सेंटर ऑफ मास वेक्टर, ठीक। तो r सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, तो आपको m1 पता है m2 पता है r1 वेक्टर पता है r2 वेक्टर पता है, तो यहाँ पुट कर लो m1 पता है r1 वेक्टर पता है m2 पता है r2 वेक्टर पता है m1 पता है m2 पता है, तो ओपन कर लो इसे, तो ये 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, तो i वाली टर्म्स i में ऐड करो, j वाली टर्म j में ऐड करो, k वाली टर्म k में ऐड करो आंसर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो आपका आंसर भी i j k में ही आएगा, तो ये भी ईजी है। तो या तो क्वेश्चन कोऑर्डिनेट्स में आएगा या पोजीशन वेक्टर में आएगा, जिसमें भी आएगा आंसर आ जाएगा, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है इसमें अब स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम आ गई थोड़ी सी, कैसे इन HCl मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, HCl मॉलिक्यूल है, सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम इज अबाउट 1.27 एंगस्ट्रॉम। तो एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, इनके बीच में सेपरेशन कितनी है 1.27 एंगस्ट्रॉम है। फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो आपको सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताना है। गिवन क्लोरीन इज 35.5 टाइम्स एज मासिव एज हाइड्रोजन, तो जो क्लोरीन है वो 35.5 टाइम भारी है हाइड्रोजन से, तो अगर हाइड्रोजन का मास m है तो क्लोरीन का 35.5 इंटू m है, और डिस्टेंस इनके बीच में कितना है 1.27, ठीक। अब इस क्वेश्चन में मुझे m1 पता है, मुझे इस क्वेश्चन में m2 पता है, मुझे कोऑर्डिनेट्स नहीं पता x1 y1 और x2 y2, मुझे कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, क्लियर है यहाँ तक? तो मैं क्या करूँगा इसमें, मैं कोऑर्डिनेट ढूंढूंगा। कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या ढूंढनी होती है, ओरिजन। ओरिजन कहीं मर्जी ले लो, जहाँ आपकी इच्छा है वहाँ ले लो, लेकिन वहाँ लेना जहाँ आप कोऑर्डिनेट ढूंढ सको। मैंने हाइड्रोजन को ओरिजन मान लिया, मैंने मान लिया कि हाइड्रोजन ओरिजन पे पड़ा हुआ है, तो ये कौन सा एक्सिस हो गया एक्स, ये कौन सा एक्सिस हो गया वाई, हाइड्रोजन का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0.0, तो इसका मतलब क्या आ गया x1 आ गया और y1 भी आ गया। पहला स्टेप क्लियर है। सेंटर ऑफ मास क्या इनके मिड पॉइंट में होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक मास बहुत बड़ा है और एक छोटा है, तो कहां किसकी तरफ होगा? क्लोरीन की तरफ होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपके पास एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, ये रहा, ये आपके पास हाइड्रोजन है, ये आपके पास क्लोरीन है। आपको क्या गिवन है? इसका मास m गिवन है, इसका 35.5 टाइम्स m गिवन है, ठीक। तो मेरे को m1 m2 गिवन है, तो मान लेते हैं ये क्या है m1 है, मान लो ये क्या है m2 है, तो आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है। तो मैं ये कह रहा हूँ सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे नहीं हो सकता, भारी मास की तरफ होगा, ठीक है। तो मान लो ये मेरा सेंटर ऑफ मास है,
तो मुझे क्या ढूंढना है, इसका कोऑर्डिनेट ढूंढना है एक्स सेंटर ऑफ मास, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, जीरो। जीरो क्यों होगा, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि ये मेरा हाइड्रोजन जो है मेरा ओरिजिन है। तो अगर हाइड्रोजन मेरा ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो कॉमा जीरो। टोटल डिस्टेंस 1.27 एंगस्ट्रॉम है, तो क्लोरीन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1.27 कॉमा जीरो। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये आ गया एक्स वन, ये आ गया वाई वन, मेरे पास ये क्या आ गया एक्स टू, और ये क्या आ गया वाई टू, राइट। वाई टू तो जीरो ही है, वाई वन भी जीरो है, और मुझे ये निकालना है। तो मैं क्या करूं, एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू बाय एम वन प्लस एम टू। तो मास एम वन तो मुझे पता ही है एम, एक्स वन कितना जीरो, एम टू 35.5 इंटू एम, और एक्स टू कितना 1.27 डिवाइडेड बाय। अब मुझे क्या ढूंढ, इसमें क्या करना है, डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब टोटल मास में मैं क्या करूंगा, एम प्लस 35.5 टाइम्स एम। तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से एम कॉमन निकाल के कैंसिल, सॉल्व करके आपके पास एक्स सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये मैंने पुट किया एम वन एक्स वन, एम टू एक्स टू, एम वन प्लस एम टू, ये जीरो हो गया, एम और एम क्या हो गया कैंसिल हो गया, सॉल्व करके एक्स आ गया। एंड में लिखना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास एक्स डिस्टेंस पे है, एक्स कितने 1.23 एंगस्ट्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम हाइड्रोजन, क्योंकि ओरिजिन कहाँ पर है, हाइड्रोजन। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई लोग अपना ओरिजिन क्लोरीन को भी मान सकते हैं, तो उनके सारे डिस्टेंसेस इधर के नेगेटिव चलेंगे फ्रॉम क्लोरीन। तो मैंने जान के लेफ्ट में रखा है ताकि इधर के डिस्टेंसेस पॉजिटिव हों, आप राइट में ओरिजिन रखोगे तो इधर के सारे डिस्टेंस नेगेटिव, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है, कैसे सोचना आपने इसमें, कोऑर्डिनेट, हाँ हाँ कोऑर्डिनेट लिख लो, लिख लो। तो लिख सकते हो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है 1.235 कॉमा जीरो, लिख लो। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि कोऑर्डिनेट इसलिए लिखने नहीं चाहिए क्योंकि कोऑर्डिनेट मैंने खुद एज्यूम किए हैं, उसने दिए नहीं ना, उसने हाइड्रोजन और क्लोरीन दिए, तो आपको लिखना चाहिए फ्रॉम हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये एक स्टैंडर्ड, बड़ा फेमस और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तीन आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं, ईच ऑफ रेडियस आर, तीन स्फेयर्स पड़े हुए हैं, आर आर आर, मूवी का नाम नहीं, आर आर आर, ठीक है, और आर प्लेस टचिंग ईच अदर, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ये निकालो। अब रूल नंबर वन, ये पहला स्फेयर है, स्फेयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, उसके सेंटर पे, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे। तो मुझे क्या निकालना है, तीनों का सेंटर ऑफ मास, यानी कि तीनों के सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास, तीनों के सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास। ये स्टेप समझ में आया पहले, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अब क्योंकि तीनों मासेस आइडेंटिकल हैं जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है, तो आप इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे करेंगे कि सपोज आपके पास ये पहला स्फेयर है, ये मान लो आपका दूसरा स्फेयर है, ठीक, मैं बना नहीं पाऊंगा यार इसमें, ठीक है, तो फिर से कोई और खुद ही बना देता हूं, ये लो ये आपका पहला स्फेयर है, ये दूसरा स्फेयर है, और ये तीसरा स्फेयर है, कुछ ऐसे, ठीक है, सच दैट इसके अंदर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो डिस्टेंस है रेडियस आर है, तो ये भी कितना है आर है, तो टोटल कितना है टू आर है, आर और आर टू आर है, आर और आर टू आर है, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। तो मुझे ये पता है इस बॉल का सेंटर ऑफ मास के सेंटर पे है, तो इसका मास यहाँ पर पड़ा होगा, इस बॉल का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे है तो इसका मास यहाँ पड़ा होगा, इस बॉल का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है तो इसका मास यहाँ पे पड़ा होगा, ठीक है, पर मुझे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो हम एक काम करना पड़ेगा, अब मुझे M1 पता है, मुझे M2 पता है, और मुझे M
थ्री पता है, एम वन एम टू और एम थ्री, तो मुझे क्या चाहिए, तीनों के सेंटर्स का कोऑर्डिनेट। तो अगर मुझे एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री मिल गया, आंसर आ जाएगा फिर तो सेंटर मास के कोऑर्डिनेट का। तो एक काम करना पड़ेगा आपको, इसमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, ओरिजन। क्या चाहते हो ओरिजन बोलो, ये लें जो मर्जी ले लो। बेस्ट तरीका ये है आपको लेफ्ट कॉर्नर लेना चाहिए हमेशा, ताकि सारे डिस्टेंसेज पॉजिटिव आए। तो मैंने ओरिजन कहाँ ले लिया, मैं यहाँ ओरिजन लेता हूँ, तो ये मेरा कौन सा एक्सिस हो गया x, और ये मेरा कौन सा एक्सिस हो गया y, सही है यहाँ तक। तो अब मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन के अंदर, जो अगर ये ओरिजिन मान लिया तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0.0, सही है यहाँ तक। क्योंकि ये r है, क्योंकि ये भी r है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या बना, 2r, 0, क्योंकि y एक्सिस तो है ही नहीं, तो x एक्सिस पे डिस्टेंस 2r, 0। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। तीसरा कोऑर्डिनेट बोलो क्या होगा, तीसरे ये r है और ये r, ये 2r हो गया, ठीक है। तो ये 0.0, ये 2r, 0, ये कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट क्या है, ये x कोऑर्डिनेट है इसका, और ये एग्जैक्टली r के इक्वल, अगर ये r है तो ये भी r है, तो x कोऑर्डिनेट क्या है इसमें, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट ये होगा, दिस इज y, तो y मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है यहाँ तक। तो y निकाल लेते हैं, तो अगर जो भी यहाँ y का डिस्टेंस आएगा वो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि ये r है, ये r है, तो ये टोटल कितना है, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है 2r 2r का, तो एंगल कितना है 60। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 2r, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2r इंटू साइन ऑफ 60, तो y की वैल्यू इज इक्वल टू 2r इंटू रूट 3/2, तो आंसर क्या आ गया, रूट 3r। क्या स्टेप क्लियर है, y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, ठीक है। तो मैंने यही किया हुआ, इसमें चेक करो, तो मैंने पहले ये डायग्राम बनाया 2r 2r 2r, फिर मैंने क्या किया, इसको ओरिजिन सिर्फ सेंटर बनाया 1, 2 और 3, ये देखो 1, 2 और 3, तो इसको मैंने ओरिजिन मान लिया, ये रहा 0.0, तो x एक्सिस पे इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 2r 0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, अगर ये आधा डिस्टेंस 2r का r है तो ये भी r, और y मैंने निकाल लिया कैसे, साइन 60 इज इक्वल टू y बाई 2r करके r रूट 3। अब इस क्वेश्चन में m1 m2 m3 तो बराबर है mmm, x1 y1 आ गया, x2 y2 आ गया, x3 y3 आ गया, तो लिख लिया ये x, तो क्या निकालना है, x सेंटर ऑफ मास, तो x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिख लो, m1 x1 m2 x2 m3 x3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, mmm तो पता ही है सारे मासेस सेम है, x1 पता है, x2 पता है और x3 पता है, y1 पता है, y2 पता है, और तो मेरे ख्याल से इसमें पुट कर लोगे, तो m1 x1 m2 x2 m3 x3 m1 y1 m2 y2 m3 y3 सॉल्व करोगे तो x को m से m कैंसिल हो जाएगा, तो एक कोऑर्डिनेट r आएगा और दूसरा कोऑर्डिनेट r बाय रूट 3 आएगा, दिस इज द आंसर। तो कैसे लिखना है, कैसे सोचना है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, पॉइंट क्लियर है।